लाख से ज्यादा ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले शहरी मुश्किल में आ गए। अब गाड़ी मोटरसाइकिल बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के ट्रांसफर नहीं की जाएगी। एक्साइज ने नादरा के साथ मुआमलात को हतमी शक्ल देकर सिस्टम तैयार कर लिया है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बायोमेट्रिक का आगाज करके ट्रांसफर डीड खत्म कर दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा इस पर अमल दरामद कैसे कराया जाएगा? बिल्कुल, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र को शफाफ बनाने के लिए महकमा एक्साइज की जानब से बायोमेट्रिक के लिए इकदाम किए जा रहे थे, जिनको अगले माह हतमी शक्ल दिया जाना जो है वो मतवक़े है। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी से, उनसे पूछेंगे कि बायोमेट्रिक का फ़ायदा क्या होगा और कब तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, क्या इससे सिस्टम में बेहतरी आएगी और शहरियों को सहूलत मिल सकेगी। जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम अगले महीने से, अक्टूबर के महीने से इंशाल्लाह इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और बेनिफिट जो है इसके दो हैं, एक तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इन्वॉल्व है, गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाने के लिए टीओ फॉर्म लेना पड़ता है, उसके अंदर फिर बाकी जो उससे एविडेंस होते हैं, साइन वाइन अंगूठे कई लोगों के, तो वो एक तो हम इसको पेपरलेस करने जा रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो गलत ट्रांसफ़र हो जाती थी किसी वजह से, लोग गलत सिग्नेचर किसी के कर लेते थे या किसी के थंब इम्प्रेशन गलत लगा लेते थे, वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ जो ओनर है उसकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र गाड़ी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब वो अपने थंब इम्प्रेशन देगा और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होंगे नादरा के डेटाबेस से, तभी गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकेगी। अच्छा, इसमें ये बताइए, बहुत सारी कंपनीज भी करवाती हैं, बैंक्स भी करवाते हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार होगा और कहाँ कहाँ थंब इम्प्रेशन करवाया जा सकेगा? ये इसके साथ साथ दो, एक तो ये है कि जिनका थंब इम्प्रेशन ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में होगा वो मैच करके सेलर के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, और एक वो है जिनका अभी तक हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो ऐसे में जो ऑथराइज लोग उनके होंगे, एक तो ये है कि उसके साथ मैच करेंगे, और दूसरा ये है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो लेटर हेड है या उनका जो अथॉरिटी लेटर है वो अभी चलेगा फ़िलहाल, लेकिन बहरहाल एक बहुत सारी कंपनी के ऑथराइज पर्सन जो हैं उसकी वेरीफिकेशन के साथ ही होंगे वो। अरे, जैसा कि आपने सुना कि हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि अगले माह से बायोमेट्रिक पंजाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका।